एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और एक नई होल वीडियो में। आपको होल वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी अच्छी होल वीडियोस मिलती रहती हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ अनदर होल वीडियो एंड दिस होल वीडियो इज ऑल अबाउट शॉर्ट्स। तो आज मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट्स दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत ही रिसर्च करके चुन चुन के निकाले हैं। ये सभी शॉर्ट्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैंने खरीदे हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट्स बहुत महंगे आते हैं भाई। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, सच बताऊं तो महीनों की मेहनत है, तब जाके मुझे ये रीजनेबल प्राइस में शॉर्ट्स मिले हैं और मैं आज आपको ये सारे शॉर्ट्स दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना। मैं हूं कनिका त्यागी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने खरीदा है मंत्रा से, और ये वाली जो शॉर्ट्स है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में कैसी है। कलर तो आपको दिख ही गया होगा कि कैसा है, ऑरेंज कलर है ये, और ये बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही कूल शॉर्ट्स हैं, और जिन लोगों को कलरफुल कपड़े पहनना पसंद है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो लुक एट दिस। तो ये इसका पैटर्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, कार्गो स्टाइल में है। इसमें साइड में दो कार्गो पॉकेट्स भी दी हुई हैं और दो पॉकेट्स इसमें पीछे की साइड भी दी हुई हैं। साथ ही इसमें ये बेल्ट दी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है, क्योंकि ये इस तरह वाली बेल्ट है, नॉर्मल जो सिंपल बेल्ट होती है वो नहीं है। दैट्स व्हाई ये बहुत ज़्यादा कूल लग रही है। साथ ही इसमें आगे तो ये वाला पैटर्न है बिल्कुल प्लेन वाला, बाकी इसमें पीछे की साइड इलास्टिकेटेड पैटर्न दिया हुआ है जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसका जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है। इसकी चेन वगैरह, बटन वगैरह सब कुछ बहुत ही प्रॉपर है। ये मैंने 28 साइज में लिया था, थोड़ा सा बड़ा रह गया मुझे क्योंकि बेल्ट है इसके साथ, और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, और इसका कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ऑरेंज कलर है। साथ ही जो इसकी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, मतलब जो शॉर्ट्स होती है ना वो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है पहनना, बट इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। दैट्स व्हाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी फिटिंग मुझे बहुत प्यारी लगी। स्ट्रीट 9 ब्रांड का है ये, और जो MRP लिखा है वो 1599 लिखा है, बट मुझे मिंत्रा से ये 380 रुपीज़ में आई थिंक मिला है। आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई थिंक इसमें कलर वगैरह के ऑप्शंस भी मिंत्रा पे अवेलेबल है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever come? चलो दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि अगेन है एक शॉर्ट ही, और ये एक डेनिम की शॉर्ट है, लेकिन ये मैंने अमेजोन से खरीदी है, मिंत्रा से नहीं। इसमें भी मैंने 28 साइज खरीदा और ये मिस चेज ब्रांड की है। 28 साइज था ऑब्वियसली इसमें भी, बट इसका 28 मुझे बिल्कुल फिट आया है, उसका नहीं आया था। हाई वेस्टेड है दोनों, वो भी हाई वेस्टेड था, ये भी हाई वेस्टेड है, और यस वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट नहीं था, और ये वाला शॉर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि डेनिम के शॉर्ट्स मोस्टली शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ही आते हैं, इनकी लेंथ बहुत कम होती है, और ये डिस्ट्रेस पैटर्न में है। तो मुझे ये पैटर्न वैसे जीन्स वगैरह में तो खास कुछ पसंद नहीं है, बट मैंने शॉर्ट्स में इसको ट्राई करने का सोचा एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा, काफ़ी अच्छा लगा। इसमें पॉकेट्स वगैरह सारी जीन्स वाली दी हुई हैं, और नीचे इसमें ये वाला पैटर्न दिया हुआ है जो कि रफल्स जो भी इसको बोलते हैं, आई डोंट नो, ये वाला पैटर्न दिया हुआ है। और जो इसका कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का सा है, मतलब डेनिम है लेकिन बहुत ही पतला सा है, काफ़ी बार फैब्रिक बहुत मोटा होता है जिसकी वजह से बहुत गर्मी लगती है। ये बहुत ही लाइट सा कपड़ा है, इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये अमेजोन से मैंने लिया है 499 रुपीज़ में ओनली। चलो दिखाती हूँ थर्ड शॉर्ट, जो कि मैंने लिया है मिंत्रा से। ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, बट मैं इसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्यों हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये शॉर्ट दिखाना चाहूंगी। सो लुक एट दिस, कि ये डेनिम का है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही स्ट्रेचेबल है, पहनने के बाद बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, पता नहीं चल रहा कुछ पहना है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेनिम का है, हल्का हल्का कटा फटा भी है कहीं कहीं से फॉर फैशन, और जिप वगैरह बहुत अच्छी है, बटन बहुत अच्छे हैं, पॉकेट्स बहुत अच्छी दी हुई है, काफ़ी डीप पॉकेट है, फ़ोन बहुत आराम से आ जाएगा, काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये। बस इसमें एक कमी है कि वेस्ट पर से जो फिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसकी यहाँ से जो फिट है नीचे थाइस पर से जो इसका फिट है वो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा। यहाँ पे इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इधर कपड़ा दिया हुआ है अंदर की साइड, इनर थाइस की साइड, जो कि मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, थोड़ा सा चुभ रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा इन्होंने इनर थाई पे दिया हुआ, अगर ये बाहर की साइड होता तो बहुत ज़्यादा कूल लगता। तो बस थोड़ा सा यही इसका माइनस पॉइंट मुझे लगा, बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी फैब्रिक सब कुछ बहुत अच्छा है, फिट में मैं इसके मार्क्स काटने वाली हूँ, अदरवाइज बहुत अच्छा है। रोडस्टर ब्रांड का ये है, मिंत्रा से मैंने लिया है, और ये मुझे 714 रुपीज़ में मिला है। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग इसके फिट को कंपैरिजन किया जाए तो
एक्चुअल में थोड़ा कम अच्छा है। वर्थ बाइंग ऑप्शन तो मैं इसके नहीं कहूँगी, एंड देखते हैं कि इसको रखना है या एक्सचेंज करके मंगाना है, लेट्स सी। बाकी ओवरऑल अच्छा है, क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है इसकी। मेरे पास एक जीन्स भी थी इस वाले कपड़े में, मुझे वो बहुत पसंद थी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल लगती थी। ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। चलो गाइस दिखाती हूँ नेक्स्ट शॉर्ट जो कि मैंने मंगवाया है अगेन मिंत्रा से, एंड ये वाला मेरा फेवरेट है बिकॉज ऑफ इट्स फिटिंग। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटिंग है इसकी, एंड लुक एट दिस। ये डेनिम की शॉर्ट्स नहीं है, ये जो स्ट्रेचेबल और ब्रीदेबल कपड़ा होता है ना, फैब्रिक होता है, उसकी ये शॉर्ट्स है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मिंत्रा पे। स्पेशली मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, डार्क ग्रीन कलर है ये, और मेरे पास इस कलर की कोई शॉर्ट्स नहीं थी, कोई बॉटम वियर नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस कलर में कुछ ट्राई किया जाए। सो मैंने मंगवाया है मिंत्रा से, टोक्यो टोकीज जो ब्रांड है मिंत्रा पे, ये उसका है, और लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इसकी फिटिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी है, मुझे इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसमें साइड में जिप दी हुई है जिससे इसे पहनने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये हाई वेस्टेड है, और ये ज़्यादा नीट एंड क्लीन सी फिटिंग आ रही है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि ऊपर से वेस्ट पर से और हिप्स पर से बहुत ही अच्छी फिटिंग का है, और नीचे से हल्का सा लूज है जिसकी वजह से एकदम कोरियन वाइब मुझे इससे आ रही है, बिल्कुल पिंटरेस्टी फिट वाला, मतलब जो होता है ना बिल्कुल वो लग रहा है। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है ये, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, एकदम से कंफर्ट फील होना चाहिए, बिल्कुल वैसा है, हर तरह से एकदम परफेक्ट है। साइज़ मंगवाया था मैंने इसमें 28S साइज़ में, और इसका जो प्राइस था, जिस प्राइस में मैंने इसे मिंत्रा से ख़रीदा, वो था 290 रुपीज़। के हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको डेनिम के अलावा किसी और तरह की शॉर्ट्स ट्राई करनी है तो ये मस्ट हैव है, आप इसको जरूर ट्राई करना। I wanna do that to you, you know. I wanna treat you that way, no. I've been running, can't catch. चलो दिखाती हूँ नेक्स्ट शॉर्ट्स जो कि अगेन मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, रीजन है इसकी फिटिंग, अगेन इसकी फिटिंग की वजह से ये भी मुझे बहुत पसंद आया। ये भी डेनिम का है जैसा कि बाकी सब मैंने आपको डेनिम के दिखाए थे, और इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो डेनिम है वो बिल्कुल जो जीन्स वाला डेनिम होता है ना, अच्छी खासी कॉस्टली जीन्स में आपको डेनिम मिलता है ना, वो वाला डेनिम है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका ये वाला पैटर्न भी मुझे अच्छा लगा, ये वाला डिज़ाइन है। कुछ शॉर्ट्स में ये बहुत चौड़ाई में बना के रखते हैं जो मुझे कम अच्छा लगता है, बट इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट्स वाई मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी फिटिंग भी मुझे इस वजह से ज़्यादा अच्छी लगी कि ये वेस्ट पर से एकदम फिट आ रहा है, और नीचे से हल्का हल्का लूज है, तो कोरियन वाइब्स इससे अगेन फिर से मिल रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जिप वगैरह एकदम परफेक्ट है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पॉकेट दी हुई है पीछे भी आगे भी, बहुत अच्छा लगा। ये भी मैंने मिंत्रा से लिया है, और ये मिस चेज ब्रांड का है, और इसमें मैंने मंगवाया था एल साइज, इसमें मैंने 28 ही वेस्ट मंगवाई थी, और ये एल में ही 28 अवेलेबल था, तो मैंने और इसका जो प्राइस है, जिस प्राइस पे मैंने इसको मिंत्रा से लिया वो है 449 रुपीज़, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बढ़िया डील ये भी मुझे लगी, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत महंगे आते हैं और इतने कम में इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। तो मेरे पास अब शॉर्ट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया है। अगर आपको भी इस तरह की शॉर्ट्स पहनना पसंद है, आप लोगों को भी शॉर्ट्स लेने हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।